रोड तहसील के अंतर्गत गांव मेलखेड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रास्ते में लगा गंदगी का अंबार। बता दें कि मेलखेड़ा विद्यालय प्राचार्य प्रदीप शर्मा द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया, लेकिन कोई अभी तक किसी जिम्मेदारों ने संज्ञान नहीं लिया। दूसरी ओर स्कूल बाउंड्री वॉल नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण बालिकाएं विद्यालय जाने से कतराती हैं। एक और देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है और धरातल पर नहीं नजर आ रहा। विद्यालय के पास निकलने वाले नाले की वजह से बेहद बदबू फैल रही है। गौरतलब है शिक्षा विभाग वैसे तो करोड़ों रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च करता है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से निजी विद्यालय फल फूल रहे हैं। हमारे स्कूल ग्राउंड में जो ये फेंसिंग वगैरह है ये इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो असामाजिक तत्व निकलते हैं छुट्टी के बाद, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ा असुविधा फील होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते हैं तो वो इधर उधर निकलते हैं, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सुरक्षित नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से फेंसिंग करवाएं और थोड़ा बाउंड्री वाल दें, क्योंकि हमने शिक्षक को भी, अपने प्राचार्य जो महोदय है उनको भी हमने लेटर लिखा था आगे प्रशासनिक कार्य के लिए, तो अभी तक कुछ कार्य हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? कौन सा स्कूल है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हमारे स्कूल के जो ये नाला निकल रहा है ना, इससे हमें बहुत ही असुविधा होती है आने में, और जब हम आते हैं तो हमारे पूरे पांव कीचड़ में हो जाते हैं, और फिर स्कूल भी का परिसर भी गंदा होता है, तो इस नाले को बाहर ऐसे लेकर पहले भी शिकायत की गई है, तो इस मामले में किसी ने संज्ञान लिया क्या? जी नहीं, किसी ने ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी है, मतलब देख के चले जाते हैं पर ज़्यादा कुछ। आपके स्कूल के अंदर का देखने का काफी सौंदर्यपूर्ण दृश्य है, लेकिन बाहर जो गंदगी है तो किस प्रकार का आप महसूस करते हैं इसे देखकर? हाँ, ये बात बहुत ही सही पूछी है आपने। हमारे स्कूल में मतलब बिल्कुल सारी फैसिलिटीज है, बट यहाँ बाहर से देख कर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती होगी। स्कूल पढ़ाई से लेकर खेल में भी हमारे स्कूल में बच्चे बहुत आगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आउटडोर गेम होते हैं ना वो नहीं हो पाते। इंडोर गेम हमारे सर करवाते हैं हमें, बट यहाँ बाहर से देख कर कोई ये नहीं बोल सकता है कि जैसे कि स्कूल अच्छा होगा है। क्या नाम है आपका? सानिया मंसूर। सर, हमने इसके लिए वरिष्ठ कार्यालयों को भी लिख रखा है, माननीय जो SDM साहब जो है उनको भी जानकारी में है, और 15 अगस्त के दिन भी ये जो नाला जो है हमारे जो खेल मैदान में छोड़ा गया है पूर्व में पंचायत के द्वारा, तो इसको हटाने के लिए हमने कई बार निवेदन किया पंचायतों को भी और शासन के अधिकारियों को भी, इससे अवगत कराया, और आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, और लोग इस खेल के मैदान को धीरे धीरे अतिक्रमण करके नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। शासकीय भूमि के अंदर पीछे भी अभी कुछ समय पहले 26 तारीख को रात के समय जो है कुछ लोगों ने एंगल फेंसिंग उखाड़ दी और वो चुरा ले गए, और उन्होंने एक रास्ता एक निर्मित कर लिया स्कूल बाउंड्रिंग में पीछे, और एक नाला बना लिया है, तो इसकी भी सूचना है जो है पुलिस थाने पे मैंने उनको अवगत करा दिया है। SDM साहब को भी इसकी जानकारी दे दी, और ऊपर वरिष्ठ कार्यालय और आयुक्त शिक्षण जो है भोपाल और मैं माननीय गृह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में मैं अभी पत्र लिखने वाला हूँ। पूर्व में आपने अधिकारियों को अवगत कराया था, कितना समय हो गया उसका? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो ये SDM साहब को अवगत कराया 26-27 तारीख को मैं मिला हूँ, और वो 27 तारीख को हमने पुलिस थाने पे भी इसकी सूचना दे दी है, जिस तरह से लोगों ने हमारे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया इसके बारे में एक आवेदन दिया गया थाने पे। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं होगी इस मामले में? अभी तक वो लोग देख के चले गए हैं, पर अभी कार्रवाई तो क्या है कि जैसे तैसे वो खंभे वगैरह तो है नहीं वहाँ पे, और फेंसिंग भी चुरा ली गई है, और ये बोला गया है हमें कि यहाँ पे वापस खंभे और लगा लो, पर हमारे पास इतनी स्कूल के पास इतना आर्थिक और वो बजट नहीं है कि हम वापस बार बार इन पे खंभे और फेंसिंग करा पाए। अभी बरसात का दौर है, प्रायः देखने में आता है यहाँ पर कि जो कीचड़ में बच्चे निकलते हैं, यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह भी गंदगी फैली हुई है, तो इसकी समस्या का कुछ ट्रैक्टर से प्लेट मंगवा के हटवा दिया था, और काफ़ी पॉलीथीन अभी दिखाई दे रही है, इकट्ठी हो रही है, और हम चाहते हैं कि पंचायत ये नाला जो है बना हुआ है जिन्होंने छोड़ रखा हमारे खेल मैदान में, तो इसको PWD की तरफ जो सरकारी रोड निकला है सड़क, तो उसके किनारे बाहर निकाली जाए, और यहाँ किसी की निजी भूमि नहीं है, दोनों तरफ शासकीय भूमि है, तो इसमें कोई विवाद नहीं है, पंचायत चाहे तो इस नाले को बाहर निकाल सकती है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, प्रभारी प्राचार्य शासकीय भूमि मिलकर।